हे गाइस, बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या हमारी ब्लड लाइन 2.0 टाइटल्स आने वाली है? टैग टाइटल्स एज स्टार का लास्ट चांस है कुछ उन्हें स्टोरी लाइन में अच्छा करने का। एंड अंकल हाउडी, क्या स्टोरी लाइन बोरिंग होते जा रही है? और गाइस, हमारे सर्वाइवर सीरीज का प्लान स्टार्ट हो चुका है। सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाओ ये चैनल से। तो फर्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है गाइस हमारे एज स्टाइल से। जिम कॉर्नर ने ये कहा कि दिस इज द लास्ट चांस टू मेक एज स्टाइल स्टोरी परफेक्ट बेस्ट। तो एज स्टाइल की स्टोरी को बेस्ट बनाने का ये लास्ट चांस है डब्ल्यू के पास। एंड गाइस, ये माना जा रहा है कि अगर स्मैकडाउन में एज स्टाइल आते हैं तो उन्हें परफेक्ट स्टोरी लाइन में डालना चाहिए, क्योंकि गाइस एज स्टाइल बहुत बेस्ट रेसलर है, परफेक्ट रेसलर है, परफेक्टली उनकी बिल्ड स्टोरी लाइन से अगर उन्हें अच्छी तरह से नहीं डाला गया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है डब्ल्यू को इससे। एंड गाइस, आपको पता उनका 2025 में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है। आई थिंक मुझे लगता है डब्ल्यू के अलावा एज स्टार कहीं पे नहीं जाएंगे। एंड आई थिंक मेरा पर्सनल बिलीव लग रहा है कि नहीं जाएंगे। एंड गाइस, एज स्टाइल का रिटर्न देखो कैसा होता है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी सर्वाइवर सीरीज के बुकिंग से। तो गाइस, हमारी ब्लड लाइन का मैच है, आपको पता है नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन स्टील के मैच, जहाँ पे वो टैग टाइटल्स आई थिंक गाइस वो लूज नहीं करेंगे मुझे लग रहा पर्सनली, क्योंकि अगर डब्ल्यू ने लूज करवा गई कोई फायदा नहीं। एंड गाइस, क्या पता इस मैच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट सा हो, रोमन रेंज का रिटर्न हो या कुछ भी हो जिसके कारण वो मैच लूज कर जाए। लेकिन गाइस, सर्वाइवर सीरीज का सेट होने का टाइम आ चुका है, सर्वाइवर सीरीज आने वाली है। तो गाइस, डब्ल्यू बहुत सी चीज़ों को करने वाली है परफेक्ट सर्वाइवर सीरीज में। 5-on-5 आपको टैग टाइटल टैग टीम मैच देखने को मिलेगा इन वॉर गेम। एंड गाइस, अब आपको पता है वो रेड एंड ब्लू ब्रांड वाली चीज़ होती नहीं, तो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम इज कंफर्म। एंड उसके लिए डब्ल्यू बिल्ड करना स्टार्ट कर चुकी है, बिल्ड बहुत जल्दी होने वाला है, परफेक्ट होने वाला है, खतरनाक होने वाला है। एंड इस बिल्ड में परफेक्टली बिल्ड डब्ल्यू बेस्ट वे से करने वाली है, और सर्वाइवर सीरीज राइट नाउ इज अ कन्फर्म टू मेकिंग अ बेस्ट वॉर गेम। तो ये चीज़ होने वाली है, तो देखो गाइस मैडन में हारते या नहीं। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है गाइस हमारे टेपिंग से। तो मंडे नाइट रॉ टेपिंग होने वाली है, 7 अक्टूबर का शो टेपिंग होने वाला है, उसके बाद कई शोज टेपिंग होने वाला है, आप ये चेक कर सकते हो, आप पढ़ लो खुद, मतलब इतना क्या बताऊँ। बाकी ये शोज़ हैं वो टेप्ड होने वाले हैं, डब्ल्यू ने टेप्ड करने वाली है, इवन एक स्मैकडाउन का शो भी टेप्ड करने वाली है। तो गाइस, सी डब्ल्यू नेटवर्क पे NXT जाने वाली है। तो देखो गाइस, ये टेप्ड होंगे शो बिकॉज ऑफ रीज़न डब्ल्यू को कुछ मतलब होता है ना, जैसे बैड ब्लड का है, बैड ब्लड में भी जाना है डब्ल्यू को। एंड बैड ब्लड की गाइस टिकट सेल बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं राइट नाउ, दिस इज़ द मैसिव पेपर व्यू एंड डब्ल्यू का बहुत टाइम बाद पेपर व्यू है, एंड आप ये टिकट सेल दे सकते हो। दिस अ परफेक्टली बिल्ड बैड ब्लड, एंड बैड ब्लड में अभी भी नहीं पता कि इसका मेन इवेंट होना है CM Punk ड्रू मैकइंटायर या फिर हमें ब्लड लाइन का देखने को मिलेगा, तो ये तो अभी भी कौन। तो गाइस, नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है हमारे गाइस AEW से। तो AEW का गाइस शो जो होने वाला वो फॉक्स पे कंफर्म हो चुका है राइट नाउ, AEW इज कंफर्म टू फॉक्स। एंड भाई, AEW की व्यूअरशिप ऊपर जाने वाली है, इमेजिन कर लो कितनी ऊपर जाएगी, क्योंकि फॉक्स इज द बिगेस्ट स्पोर्ट नेटवर्क ऑफ US से। तो कंफर्म कर दिया टोनी खान ने। एंड गाइस, हमारी नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी रोमन रेंज से। रोमन रेंज का क्या CM Punk के साथ हो सकती है फ्यूड? तो अभी डब्ल्यू ऐसा कुछ नहीं प्लान कर रही। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोमन रेंज की ब्लड लाइन के साथ फ्यूड चलेंगे, एंड बहुत लंबी फ्यूड चलने वाली है ये। एंड आई थिंक सब 41 से पहले तो वो किसी के पास नहीं जाने वाले। एंड गाइस, कोडी रोड्स के साथ ही उनकी फ्यूड चलेगी, क्योंकि उन्होंने सिंपल सी बात कही, आई वांट अ टाइटल, मैं टाइटल लेने वापस आऊँगा जब मेरा सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं सब कुछ कर लूँगा तो मैं तुझसे तेरा टाइटल वापस ले लूँगा, टेंशन मत ले। तो ये चीज़ मान के चलो कि कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन अभी किधर नहीं जाने वाली, कोडी रोड्स की स्टोरी लाइन एंड रोमन रेंज की स्टोरी लाइन अभी चलेगी, तीसरा मैच इनका होगा। एंड गाइस, फिर से रोमन रेंज चैंपियन बनते आपको दिख सकते हैं, बनते दिख गए तो गुस्सा मत करना, बिकॉज ऑफ रीज़न रोमन रेंज अभी चैंपियन बनेंगे थर्ड एक बार और, मुझे लग रहा है, पर्सनल बिलीव है। नेक्स्ट अपडेट जुड़ी वो जुड़ी है गाइस हमें टिफिनी स्टेटस से। टिफिनी स्टेटस बहुत जल्दी आपको फेस टर्न करते हुए दिखेंगी, कैश इन करते हुए दिखेंगी। एंड गाइस, नेक्स्ट वीक आपको ये भी चेल्सी ग्रीन MEAGM का मैच देखने को मिल सकता है। और गाइस, बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं जो सीधा सीधा टारगेट करेंगी बैड ब्लड। तो गाइस, ये अपडेट थी आज की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। एंड गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं और भी अपडेट डालूंगा इसके बाद आने वाली है नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए।